सो हाय गाइज, इट्स मी कमिल एंड यूर वॉचिंग के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप वीवाकट वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन के अंदर अपनी वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। दोस्तों, वीवाकट जो वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन है, वीडियो की बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए काफ़ी परफेक्ट एक वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन है। इसके अंदर आप लोग बहुत ही स्मूथली अपनी वीडियो का बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो। बिल्कुल भी पता भी नहीं लगेगा, किसी को भी पता नहीं लगेगा कि आपने इस वीडियो का बैकग्राउंड को चेंज किया हो। तो चलिए, ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा चलते हैं हम वीडियो की तरफ एंड देखते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर हम अपनी वीडियो का बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें वीवाकट वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे कि देख सकते हो, मैंने वीवाकट वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। उसके बाद हमें सिंपली क्रिएट के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। देन आपको यहाँ पर ऊपर में तीन ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ से सिंपली इमेज ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको ऊपर में सिंपली सिस्टम के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, जैसे कि देख सकते हो। देन दोस्तों, सिस्टम के ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको अपनी बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम कोई भी एक बैकग्राउंड को चूज कर लेते हैं, जैसे कि हम इस वाली फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं। एंड उसके बाद दोस्तों, यहाँ से हम देखते हैं कि कौन सी बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूँ। ओके, तो हम ये वाली बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर रही है, ठीक है। तो सिंपली आपको अपनी बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद इस कॉर्नर पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। देन हमारा जो बैकग्राउंड है, जैसे कि देख सकते हो, वीवाकट वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन के अंदर इंपोर्ट हो चुका है। अगर आपका जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा बड़ा है, तो आप यूट्यूब के लिए वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो, या फिर मान लो यूट्यूब के लिए आप वीडियो एडिट करना चाहते हो, लेकिन उससे पहले आप और एक काम कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, आपको सिंपली राइट साइड की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है एंड आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा कैनवास, तो आपको सिंपली कैनवास के ऊपर क्लिक करना है। देन दोस्तों, आपको इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है चूज कर लेना है 16:9, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको सिंपली आ जाना है बैक। उसके बाद आपको सिंपली अपनी बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको अपनी बैकग्राउंड का जो टाइमलाइन उसको बड़ा कर लेना है, ठीक है। आपको अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग इसको बड़ा कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका जो टाइमलाइन उसको बड़ा कर सकते हो, यानी इसका जो ड्यूरेशन है उसको आप और भी लेंथी बना सकते हो। उसके बाद दोस्तों, हमें यहाँ पर राइट साइड की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है एंड आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसका नाम होगा ओवरले, तो आपको सिंपली ओवरले के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको अपने फ़ोन के सारे वीडियोस देखने के लिए मिलेगा एंड जिस वीडियो के आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो वो अगर आपको यहाँ पर ढूंढने पर नहीं मिल रहा है, अगर आपके फ़ोन के अंदर ज़्यादा वीडियोज़ है, ज़्यादा फोल्डर्स है, तो आपको क्या करना है, सिंपली सिस्टम ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको अपने फ़ोन के सारे फोल्डर देखने के लिए मिलेगा, तो जिस भी फोल्डर के अंदर आपकी वीडियो रखा हुआ है, तो आप उसी फोल्डर को चूज़ कर सकते हो। देन आपको अपनी वीडियो को ढूंढने में आसानी हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली अपनी वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि देख सकते हो, हमारा जो वीडियो इंपोर्ट हो चुका है। एंड दोस्तों, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, अगर आपके पास कोई भी ग्रीन स्क्रीन नहीं है, तो आप ग्रीन स्क्रीन की जगह पर कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हो, किसी भी कलर का, लेकिन वो एक ही कलर होना चाहिए, या फिर आप कोई भी वॉल का इस्तेमाल कर सकते हो, वॉल का जो कलर है एक ही कलर होना चाहिए, ठीक है। तो मल्टीपल कलर होगा तो दिक्कत आ सकता है, लेकिन एक ही कलर अगर रहता है तो अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, अपना जो वीडियो उसको पूरी स्क्रीन पर फिट कर लेना है, इस तरीके से आपको इसे बड़ा कर लेना है, ठीक है। देन आपको राइट साइड की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है एंड आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसका नाम होगा क्रोमा की, तो आपको सिंपली क्रोमा की के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको पिकर ऑप्शन के ऊपर सिंपली क्लिक कर लेना है। देन पिकर के ऊपर क्लिक करने के बाद, जैसे कि देख सकते हो, आपको यहाँ पर एक आइकन दिखाई दे रहा है, तो आपको सिंपली इसे ग्रीन स्क्रीन पर रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो बैकग्राउंड है गायब हो जाएगा, लेकिन परफेक्टली गायब नहीं होगा। तो इसको परफेक्टली गायब करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर आपको एक्यूरेसी नाम का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है एंड आपको इसे सिंपली इंक्रीज कर लेना है, ठीक है। इसे इंक्रीज करके आप यहाँ पर 44 रख सकते हो, ठीक है। मैं अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग रख रही हूँ, आप अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग रख सकते हो, ठीक है। यह सभी वीडियो के साथ सेम तरीके से वर्क नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये अलग अलग वीडियो के साथ अलग अलग तरीके से वर्क करेगा। उसके बाद जैसे कि देख सकते हो, हमारा जो वीडियो का बैकग्राउंड वो चेंज हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अपनी वीडियो को बड़ा कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी वीडियो को बड़ा कर सकते हो, ठीक है, छोटा भी कर सकते हो। देन अगर आप इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट वगैरह करना चाहते हो, तो आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इसके ऊपर क्लिक करके आप इसका जो ब्राइटनेस है, कॉन्ट्रास्ट, सेचुरेशन, इन सभी को बढ़ा सकते हो एंड घटा भी सकते हो, ठीक है। तो इन सभी चीज़ें करके बेसिकली आप अपनी वीडियो का जो क्वालिटी है उसको थोड़ा और इन्हेंस कर सकते हो। तो काफ़ी बार दोस्तों ये चीज़ भी आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट वगैरह आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करके देख लीजिएगा, अगर आपकी वीडियो के साथ अच्छा मैच कर रहे तो आप इनको रख सकते हो, या फिर अंडू का ऑप्शन दिया गया है, तो आप अंडू के ऊपर क्लिक करके इनको अंडू भी कर सकते हो।
उसके बाद आपको यहाँ से सिंपली आ जाना है बैक देन। वीडियो एडिट करने के बाद दोस्तों आपको अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए इस कॉर्नर पे एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ से आपको अपनी रेजोल्यूशन को चूज कर लेना है। जैसे कि मैं अपनी रेजोल्यूशन को चूज करूँगा 1080 FHD। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, जैसे कि देख सकते हो हमारा जो वीडियो रेंडरिंग होना स्टार्ट हो चुका है। थैंक यू सो मच। एज ऑलवेज दिस इज कमिल एंड डेफिनेटली आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।